नमस्कार विद्यार्थियों, मैं शुभम कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का एडुलॉजी यूट्यूब चैनल पे। स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो आप सभी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज का ये वीडियो स्टूडेंट आपके करियर से रिलेटेड है, आपके फ्यूचर से रिलेटेड। तो आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो को। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए गवर्नमेंट जॉब्स, क्योंकि जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको कहीं ये लगता है कि हमारे लिए गवर्नमेंट जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज कम है या ना के बराबर है। तो सबसे पहले हम लोग आज इसकी चर्चा करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर मान लिया जाए आपने कंप्यूटर साइंस से डिप्लोमा इंजीनियरिंग कर रखा है 3 साल का, या आपने बीएससी सीएस बीएससी आईटी कर रखा है, या आपने बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन 3 साल का बीसीए कर रखा है, स्टूडेंट्स आपके लिए काफ़ी सारे डिफरेंट डिफरेंट गवर्नमेंट जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज हैं। जैसे कि सबसे पहले जो आपका स्टूडेंट सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे रहना चाहिए वो है इसरो टेक्निकल असिस्टेंट का जॉब। यह जॉब स्टूडेंट आता है किसके लिए, जिन्होंने डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कर रखा है, ठीक है। एक आता है इसरो साइंटिफिक असिस्टेंट का पोस्ट, ये आता है जिन्होंने बीएससी कंप्यूटर साइंस या बीएससी आईटी कर रखा है उनके लिए। उसके बाद स्टूडेंट जो मेजर वैकेंसी आती है यानी कि नंबर ऑफ पोस्ट जिसमें काफ़ी ज़्यादा होते हैं, वो होता है आपका डीआरडीओ का सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी का पोस्ट। प्रत्येक 2 से 3 सालों के अंतराल में स्टूडेंट ये वैकेंसीज आपको देखने को मिल जाएगी। डीआरडीओ सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि स्टूडेंट इसमें जो क्वेश्चन का लेवल रहता है उसका स्टैंडर्ड थोड़ा सा लो रहता है, यानी कि अगर आप थोड़ा सा भी अच्छे से प्रिपरेशन करते हैं तो आप इस जॉब को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। तीसरा है स्टूडेंट आरआरबी में जूनियर इंजीनियर आईटी की पोस्ट। पहले आईटी वालों के लिए, कंप्यूटर साइंस वालों के लिए आरआरबी जेई में पोस्ट नहीं आता था, लेकिन अब स्टूडेंट पिछली बार से जेई आईटी का भी पोस्ट आने लगा है। और यहाँ पे खुशी की बात ये है कि यहाँ पे डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस वाले भी एलिजिबल हैं, बीएससी सीएसआईटी वाले भी एलिजिबल हैं, साथ में यहाँ पे बीसीए के कैंडिडेट्स भी एलिजिबल होते हैं, ठीक है। और आरआरबी जेई का जो फॉर्म है स्टूडेंट वो आपका 2023 लास्ट में आने वाला है। डीआरडीओ एसटीएबी का जो फॉर्म होगा वो 2024 लास्ट में आएगा। और इसरो टेक्निकल असिस्टेंट साइंटिफिक असिस्टेंट का देखिए क्या है कि इसरो के काफ़ी सारे सेंटर्स हैं, जैसे एक तिरुवनंतपुरम में है आपका वीएसएससी हो गया, बैंगलोर में है ना, तो जितने भी सेंटर्स है ना वो सेंटर वाइज वैकेंसीज निकालते हैं, तो ये आपका लगभग 6-7 महीने पे पोस्ट आते रहता है। हाँ, नंबर ऑफ सीट्स कम होते हैं लेकिन जो स्टूडेंट्स एग्जाम देने जाते हैं वो भी काफी ज्यादा कम होते हैं। उसके बाद स्टूडेंट आईटी सुपरवाइजर की पोस्ट। अब देखिए जो जिन्होंने डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस कर रखा है उनके लिए अब पीएसयू ऑर्गेनाइजेशन में भी वैकेंसी आने लगी है। जैसे अभी 23 जुलाई को स्टूडेंट एनएचपीसी का एग्जाम हुआ, तो एनएचपीसी में भी स्टूडेंट आईटी सुपरवाइजर की वैकेंसी आई हुई थी जिसमें डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट एलिजिबल थे। अगर हम बात करें डीएफसीसीआईएल के स्टूडेंट तो इसमें भी आईटी सुपरवाइजर की पोस्ट आती है। अगर हम बात करें टाटा स्टील की तो इसमें भी आईटी सुपरवाइजर की पोस्ट आती है। तो इन सभी में स्टूडेंट डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस के कैंडिडेट्स एलिजिबल रखते हैं। उसके बाद स्टूडेंट है आपका जूनियर प्रोग्रामर या इन्फॉर्मेटिक्स असिस्टेंट। ये सभी स्टूडेंट स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट में कभी कभी वैकेंसीज आती रहती है। जैसे अभी हम बात करें तो 3 महीने पहले लगभग राजस्थान में इन्फॉर्मेटिक असिस्टेंट की वैकेंसी आई थी। अब वहाँ पे ओपन सीट में भी काफ़ी नंबर ऑफ वैकेंसीज काफ़ी ज़्यादा थे यूआर में, तो यूआर में तो आप भी फाइट कर सकते हैं ना। देखिए यहाँ पे मेन आपको ये ध्यान रखना है कि कट ऑफ कितना जा रहा है। अगर आप कट ऑफ को क्लियर कर रहे हैं तो आपके लिए कोई समस्या नहीं है, चाहे कि नंबर ऑफ सीट्स कितने भी हो। तो आपको यहाँ पे बेसिकली यही देखना है। जैसे अगर हम डीआरडीओ की बात करें तो आप पा रहे हैं कि 100 में 67 कट ऑफ जा रहा है, तो आपको टारगेट करना है कि मुझसे 100 में 75-80 क्वेश्चंस मेरे सही जाए। डीआरडीओ में तो आपका नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होता है। तो स्टूडेंट ये सारे गवर्नमेंट जॉब्स हैं जो कि आप ले सकते हैं 2024 तक अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन करते हैं तो अगर आपको पर्सनल गाइडेंस चाहिए आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, ये मेरा पर्सनल नंबर है। तो इसकी तैयारी कैसे की जाए वो बच्चों में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है स्टूडेंट, क्योंकि अगर हम सेमेस्टर की बात करें तो सेमेस्टर में आप लोग इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि सेमेस्टर पास कर सकें, जाके 1 पेज 2 पेज का आंसर लिख सकें।
लेकिन अगर आप एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ते हैं तो आपको उस प्रकार से पढ़ाई नहीं करनी है। ऐसा नहीं है कि आपने बैठ के नोट्स बनाना है 10-10 कॉपी का, ठीक है। तो आप सारे स्टूडेंट्स के लिए स्टूडेंट एडूलॉजी लेकर आया है, कंप्यूटर साइंस फाउंडेशन बैच। जी हाँ स्टूडेंट, ये जो कंप्यूटर साइंस फाउंडेशन बैच है ये उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस या आईटी कर रखा है, या उन्होंने बीएससी कंप्यूटर साइंस या आईटी कर रखा है, या उन्होंने बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन 3 साल का कर रखा है। अगर आप अपीयरिंग कैंडिडेट से, यानी कि आपका सेशन 20 से 23 है, या आप चाहे पास आउट हो चुके हैं, कोई प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं और अब आप कंप्यूटर साइंस में गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, या आप अपना कंप्यूटर साइंस का बेसिक फंडामेंटल को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली स्टूडेंट आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। कोर्स की अगर प्राइस की बात करें स्टूडेंट, तो कोर्स की प्राइस है ओनली 499 पर मंथ। लेकिन अगर आप 10 अगस्त के पहले रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं तो ओनली फॉर फर्स्ट मंथ, यानी कि पहले महीने के लिए आपको केवल 299 देना होगा, यानी कि आप 299 पे करके इस कोर्स में इनरोल हो सकते हैं, आप स्टूडेंट्स अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। तो आपके लिए स्टूडेंट ये बेहतरीन मौका है। अगर हम कोर्स के फीचर्स की बात करें स्टूडेंट, तो सबसे बेहतरीन फीचर्स आपको यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे। यहाँ पे आपका प्रत्येक दिन 3 लाइव क्लास चलेगा स्टूडेंट। जी बिल्कुल, जिसमें कि आपका एक होगा नॉन टेक का, एक आपका नॉन टेक का क्लास चलेगा, और स्टूडेंट 2 आपके टेक्निकल पेपर के क्लास चलेंगे। जी हाँ, आपको यहाँ पे नॉन टेक की भी प्रिपरेशन कराई जाएगी, आपको एप्टीट्यूड में क्वांट्स और रीजनिंग भी पढ़ाया जाएगा, इंग्लिश भी पढ़ाया जाएगा, साथ में टेक्निकल पेपर जितने भी आपको पढ़ने हैं, टोटल लगभग 14-15 पेपर है। आगे अभी इसी वीडियो में मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि किस प्रकार से हमारा कोर्स का स्ट्रक्चर होगा, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। तो यहाँ पे स्टूडेंट आपको प्रत्येक दिन 3 लाइव क्लासेस कराई जाएंगी, और जो इसका रिकॉर्डेड वीडियो रहेगा स्टूडेंट, ये भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा, और रिकॉर्डेड वीडियो की वैलिडिटी 1 साल तक रहेगी। अगर आप इसको एक्सटेंड कराना चाहें तो आप एक्सटेंड करा सकते हैं, उसके लिए कोई भी पेमेंट आपसे नहीं लिया जाएगा, कोई भी एक्स्ट्रा फी नहीं लिया जाएगा, फी ओनली फॉर लाइव क्लास आपसे लिया जा रहा है। 1 ईयर कोर्स की वैलिडिटी रहेगी स्टूडेंट, 24/7 आपका ऑनलाइन डाउट सॉल्विंग आपका रहेगा प्लेटफॉर्म, प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप रहेगा जिसमें केवल पेड बैच के बच्चे रहेंगे, वहां पे आप कभी भी कोई सा भी डाउट भेज सकते हैं, जो भी सर ऑनलाइन रहेंगे या कोई अदर स्टूडेंट ही आपको वहां पे जवाब दे देगा। उसके बाद स्टूडेंट हमारा जो क्लास होगा मंडे टू सैटरडे, जिसमें मंडे टू फ्राइडे आपका इस प्रकार से 3 क्लासेस पर डे चलेंगे, और सैटरडे के सैटरडे क्या होगा, हमारा डाउट सॉल्विंग सेशन रहेगा। वहां पे ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स के जो भी डाउट्स हैं पिछले 5 दिनों में या पिछले महीने जो भी पढ़ाया गया, अगर आपको कहीं भी समस्या आ रही है, कुछ आपने रिविजन किया तो आपको लगा नहीं मुझे यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है, तो आप वहां पे पूछ सकते हैं, आपको वहां पे पर्सनल रिवाइज किया कराया जाएगा उस टॉपिक्स को। आगे बात समझ में। उसके बाद स्टूडेंट्स हर एक सैटरडे के लास्ट में आपको एक टेस्ट सीरीज की पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी, यानी कि पिछले 5 दिनों में जो भी पढ़ाया गया है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं, इसरो लेवल के एग्जाम में, डीआरडीओ के, आरआरबी के एग्जाम में पूछे गए हैं, या जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस प्रकार के क्वेश्चंस को आपको दिया जाएगा। संडे को आप खुद से सॉल्व करेंगे और अगेन मंडे को स्टूडेंट सॉल्यूशन के साथ में उसका एक्सप्लेनेशन आपको दिया जाएगा। आगे बात समझ में स्टूडेंट। साथ में इस कोर्स में हम लोग स्टूडेंट, हमारे पास जितने भी प्रीवियसर क्वेश्चन अवेलेबल है, चाहे वो इसरो के प्रीवियसर क्वेश्चन हो, डीआरडीओ के प्रीवियसर क्वेश्चन हो, बीएसएनएल के प्रीवियसर क्वेश्चन हो, पहले बीएसएनएल टीटीए का एग्जाम होता था, इधर से वैकेंसीज नहीं आ रही है, बीएसएनएल थोड़ा घाटे में चल रहा है, ठीक है, आरआरबी जेई के प्रीवियसर क्वेश्चन हो, वो सारे प्रीवियसर क्वेश्चन आपको सॉल्व कराए जाएंगे। इवन आपको इस प्रकार से पढ़ाया जाएगा कि सब्जेक्ट एंड होने के बाद आप इसरो के प्रीवियसर क्वेश्चन को खुद से सॉल्व कर पाइएगा, तो आपको ये फर्स्ट मंथ से ही इंप्रूवमेंट दिखने लगेगा। आगे बात समझ में। फर्स्ट मंथ में ही जब आपका 3 सब्जेक्ट एंड हो जाएगा और जब आप प्रीवियसर क्वेश्चन को सॉल्व करने बैठिएगा, तो आप देखिएगा ये सारे प्रश्न मुझसे स्वयं से सॉल्व हो रहे हैं। आ रही है बात समझ में। उसके बाद आपको हर एक सब्जेक्ट के एंड में क्विक रिवीजन नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, टाइप्ड नोट्स होगा, जिससे आपको रिवीजन करने में आसानी हो सके। तो स्टूडेंट देर ना करें, इस दिए गए नंबर पे कॉल करें या व्हाट्सएप करें। स्टूडेंट अगर हम कोर्स के स्ट्रक्चर की बात करें
तो हमारा जो कोर्स है स्टूडेंट वो टोटल 7 मंथ्स का होने वाला है, 7 महीने का होने वाला है, ठीक है। और कोर्स आपका स्टार्ट हो रहा है 21 अगस्त से, ये भी आपको ध्यान देना है। 21 अगस्त को पहला क्लास होगा, मंडे है। तो देखिए 21 अगस्त से 21 सितंबर तक यहाँ पे मैंने पूरा आपको स्ट्रक्चर बता रखा है कि आपका फर्स्ट क्लास चलेगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का, देन आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का, और उसके बाद हम लोग फर्स्ट मंथ में ही थोड़ा सा, देखिए ना मैंने बोला ना कि आपको एकदम फंडामेंटल से, एकदम बेसिक से स्टार्ट कराया जाएगा टेक्निकल पेपर में, और एडवांस तक जितने सारे पेपर से सारे पेपर आपको पढ़ाए जाएंगे। तो फर्स्ट मंथ में पहला जो 4-5 क्लास होगा स्टूडेंट वो आपका फंडामेंटल का होगा, बेसिक का होगा, देन हम लोग सी लैंग्वेज को स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट मंथ आपका क्वेंट्स चलेगा, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स चलेगा, और आपका सी लैंग्वेज चलेगा, ठीक है। फिर हम सेकेंड मंथ की बात करें तो फिर आपका रीजनिंग स्टार्ट हो जाएगा, सीओए चलेगा दूसरा क्लास, और तीसरा क्लास आपका सी प्लस प्लस का चलेगा। इन सारे क्लासेस के फीचर्स मैंने आपको ऑलरेडी बता रखे हैं कि आपको थ्योरी पढ़ाए जाएंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया जाएगा, आपको बुक्स रिकमेंड किए जाएंगे कि कौन से बुक्स से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे। टोटली आपको प्रिपेयर कर दिया जाएगा कि आप किसी भी एग्जाम में बैठते हैं, यहाँ पे किसी एक स्पेसिफिक एग्जाम की बात नहीं हो रही कि केवल डीआरडीओ केवल इसरो, आप किसी भी एग्जाम में बैठते हैं तो वहां के कट ऑफ को आप इजिली क्लियर कर पाइएगा और सिलेक्शन ले पाइएगा। हमारे इस बैच का मेन उद्देश्य, जो मुख्य उद्देश्य है वो यही है, सिलेक्शन देना, ठीक है। अगर हम थर्ड मंथ की बात करें तो आपका रीजनिंग भी चलेगा, क्योंकि रीजनिंग में थोड़ा ज्यादा पढ़ना होता है, सवाल ज्यादा पूछे जाते हैं। इधर आपका डेटा स्ट्रक्चर, क्योंकि हमारा सी और सी प्लस प्लस एंड हो रखा है तो डेटा स्ट्रक्चर स्टार्ट हो जाएगा, साथ में आपका जावा प्रोग्रामिंग चलेगा, क्योंकि जावा के भी कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आप इसरो के पीवाईक्यू जो उठा के देखें तो सी लैंग्वेज से कम 5 से 6 क्वेश्चन, सी प्लस प्लस से 3-4 क्वेश्चन, एंड जावा से 1-2 क्वेश्चन रहते ही रहते हैं। नवंबर दिसंबर यानी कि आपका फोर्थ मंथ में इंजीनियरिंग मैथ्स स्टार्ट हो जाएगा, इधर आपका एल्गोरिदम चलेगा और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो आपका थ्योरेटिकल पेपर है वो चलेगा। उसके बाद स्टूडेंट फिफ्थ मंथ में इंजीनियरिंग मैथ्स ही चलेगा फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास में आपका कंप्यूटर नेटवर्क स्टार्ट हो जाएगा, और तीसरा क्लास आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर का चलेगा। उसके बाद स्टूडेंट सिक्स मंथ में आपका डिस्क्रीट मैथ्स हो गया, इधर डीबीएमएस हो गया, और ऑपरेटिंग सिस्टम चलेगा। नेक्स्ट लास्ट मंथ की अगर हम बात करें स्टूडेंट, तो जितने भी सब्जेक्ट हमें पढ़ने थे वो इन टोटल 6 महीने में हम लोगों ने खत्म कर रखे हैं। अब क्या किया जाएगा, 7वें महीने में केवल और केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया जाएगा, एकदम धुआंधार प्रैक्टिस सेट चलेगा। प्रतिदिन 3 घंटे स्टूडेंट आपको लाइव क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे, आप लोग अपने घर में भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। मतलब अगर आप इस महीने तक टिके रह जाते हैं तो इसके बाद आप किसी भी एग्जाम में बैठिए जहां पे कंप्यूटर साइंस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप वहां पे इजिली क्रैक करके उस पाइएगा, धुआं धुआं उड़ा दीजिएगा, ये आपको गारंटी मैं दे रहा हूँ, ठीक है। तो देर ना करें स्टूडेंट, आपको ध्यान रखना चाहिए कि जो ऑफर है ये केवल 10 अगस्त तक ही वैलिड, ठीक है, उसके बाद आपको 499 पर मंथ पे करना होगा। तो ऑफर का लाभ उठाएं स्टूडेंट, फर्स्ट मंथ के लिए अगर आप रजिस्टर करना चाहते हैं तो आपको केवल 299 पे करना होगा। जी हाँ स्टूडेंट, तो दिए गए नंबर पे कॉल करें या व्हाट्सएप करें और आज ही गवर्नमेंट जॉब में अपनी एक सीट पक्की करें। तो स्टूडेंट आप मुझसे व्हाट्सएप करके या कॉल करके भी पर्सनली बात कर सकते हैं। धन्यवाद।